अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। मौजूद सामीन, आज 25 दिसंबर 2020 है। आज से ठीक 144 साल पहले यानी 25 दिसंबर 1876 को एक मर्द मोमिन ने इस जहान फानी में आंख खोली। मुझे सामीन, इस दिन सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये वो दिन था जब एक सोच ने जन्म लिया। मैं तो कहता हूँ ये वो दिन था जब एक नजरिए ने जन्म लिया। ये वो दिन था जब आज़ादी के अलमबरदार ने जन्म लिया। ये वो दिन था जब एक मर्द आहन ने जन्म लिया। ये वो दिन था जब एक मजबूत और मुस्तहकम ख्वाब ने जन्म लिया। याद रखिए कि ये वो ख्वाब नहीं जो आपको नींद से बेदार न होने दे, बल्कि ये तो वो ख्वाब है जो कईयों की रातों की नींदें ले उड़ा। और वो ख्वाब आज आप सबके सामने पाकिस्तान की सूरत में ताबीर बनकर मौजूद है। जी हाँ मौजूद सामईन, ये था वो दिन जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जहान फानी में आंख खोली। कौन कायद आजम, क्यों कायद आजम, इस लफ्ज पर जरा गौर कीजिए। कायद आजम यानी के अजीम रहनुमा। हाज़रीन मन, कायद आज़म के मकाम ने मुझे कई मरतबा सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कायद आज़म एक माहिर कानूनदान है, फिर सोचा नहीं, कायद आज़म का इसके अलावा भी एक मकाम है। सोचा कायद आज़म एक अच्छे सियासतदान है, फिर सोचा नहीं, कायद आज़म का इसके अलावा भी एक मकाम है। सोचा कायद आज़म एक बेबाक और नगर इंसान है, फिर सोचा नहीं, कायद आज़म का इसके अलावा भी एक मकाम है। सोचा कायद आज़म एक सहर अंगेज मुकर्रर है, फिर सोचा नहीं, कायद आज़म का इसके अलावा भी एक मकाम है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, यकीन कीजिए मैं सोचता चला गया और बात यहाँ आकर ख़त्म हुई कि कायद आज़म कायद आज़म है। एक कायद के परचम तले सब चले, एक कायद के परचम तले सब चले, एक कायद जिसे सब ने अपना कहा, वो मोहम्मद अली आरज़ू की गली रोशनी बन गया, जिंदगी बन गया, सब मुसलमान चले एक परचम तले, ख्वाब पूरा हुआ एक वतन मिल गया, वो मोहम्मद अली जिसको भेजा गया था हमारे लिए, आसमानों के सब इश्तारे लिए, सब परचम लिए, चांद तारे लिए, कोह दश्तो दमन और चमन दर चमन रोशनी बन गया, जिंदगी बन गया। मुजस्सम तारीख के औराक को जरा पलटिए, आइए चलते हैं 1930 और 40 की दिहाइयों में। यह है बर्रे सगीर पाको हिंद यानी के हिंदुस्तान, जहां पर बरतानवी राज नाफिज है। जुल्म और सितम का सिलसिला आए रोज मुसलमानों पर बढ़ता जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ बराए नाम रह गए हैं और कयादत सिर्फ स्टेज और जलसा गाहों तक महदूद है। अब जरूरत है किसी मसीहा की जो अपने लिए नहीं बल्कि मुसलमान कौम के लिए नारा हक बुलंद करे। ऐसे में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं और हर तरफ एक ही नारा गूंजने लगता है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। बिलाखिर तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं, मुसलमान मुकर्रर, मुसलमान उलमा, मुसलमान असातिज़ा, मुसलमान शायर, मुसलमान अदीब, मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान बुजुर्ग, मुसलमान ख्वातीन, मुसलमान बच्चे, मुसलमान सियासतदान, मुसलमान मजदूर, गो के हर किसी का एक ही नस्लुलैन होता है, एक आज़ाद ममलिकत। और जब मुसलमानों का ये ग्रोह एक तहरीक बनकर उभरता है तो दुनिया देखती है कि मुसलमानों के ख्वाबों का देश, उम्मीदों का गुलिस्तान, मेरा और आपका पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पूरी शान से नमूदार होता है। और कोई तारीखदान ये मंजर देखकर कहता है, जबर के खौफ से जल रहे थे लोग, जबर के खौफ से जल रहे थे लोग, अपनी खुशरंग बारिश में आकर नहाने लगे, जश्न आजादियों का मनाने लगे, ताजा खुशियों के परचम उड़ाने लगे। मेरे आबा अजदाद ने तुझको कायद कहा, मेरे आबा अजदाद ने तुझको कायद कहा कि तू अपनी आवाज में बोलता था, कफस में परिंदों के पर खोलता था, कफस में परिंदों के पर खोलता था। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वसलाम।